हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट हो गया। सुबह की मान लीजिए जो भी है, मतलब सुबह की तो नहीं है, दोपहर के बाद की ये वीडियो है। और मैं अपने जो है ना बर्तन साफ़ कर रही थी, इधर उधर जो कैमरा घूम रहा है ये अब नहीं लग रही थी कि मम्मी लाओ मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बना दूँ। मैंने कहा बेटा रहने दो, नहीं मम्मी थोड़ी सी बना देती हूँ, अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ। उसको जुकाम हो रहा है बहुत, बुखार की मैं दवाई भी दे रही हूँ पर जुकाम अभी भी है। तो पता नहीं स्कूल में बैठने देंगे टीचर या नहीं। जिसको टेम्परेचर डाउन रहता है, बुखार या जुकाम रहता है तो मुश्किल बैठाते हैं। कल पता चलेगा, वो तो जो भी है कल स्कूल जाएगी वो। और अभी सुन रहे हैं स्कूल बंद होंगे, कोई बोल रहा है खुले रहेंगे, तो पता नहीं क्या होने वाला है। मैं कर रही थी बर्तन साफ, यहाँ थोड़ा सा ना अब नहीं सूट कर रही थी। तो 5 दिन हो जाता है, मतलब जो है तबीयत साथ नहीं देती, तो थकावट सी होती बहुत। पर काम का तो ऐसा ही है ना, चलता नहीं है बिल्कुल भी। और आज की वीडियो पर मैं देख रही हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक दो लोगों ने मेरे को इस तरह के कमेंट्स किए हैं। देखिए मैं वैसे किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, पर एक दो लोगों ने मेरे को आज भी कमेंट किए हैं कि भाभी की कॉपी कर रही है। भाभी की कॉपी मैं किस चीज़ में कर रही हूँ? किसी भी चीज़ में नहीं करती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की कॉपी करने की। और यहाँ पता नहीं बेटे को किस चीज़ ने काट लिया, पेट पर जख्म सा हो गया है। और मतलब देखती तो हूँ सारा दिन बच्चा है, कुछ खेलता पिलता है, पता नहीं किस चीज़ ने काट लिया। तेल वगैरह लगाऊंगी। तो आपने जैसे मुझे कमेंट किया कि भाभी की कॉपी करती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अपनी भाभी की कॉपी करने की। एक कमेंट आया था कि गोपाल जी बिल्कुल गैस के पास रख रखे हैं। नहीं जी, स्लिप पर रखती हूँ, गैस थोड़ी ना मैंने चला रखी थी। अब बताओ मैं स्टूल पर बैठाऊँ उनको, तो कायरव छोटा है, उसने छेड़ दिया, गिर गए, चोट फैंट लग गई, तो फिर वो भी तो बच्चे हैं। तो इसलिए मैं यहीं पर स्लीपर ही बैठा लेती हूँ जब इन्वर्टर डाउन हो जाता है। और स्टूल वगैरह पर तो तभी बैठाती हूँ जब मैं बैठी रहती हूँ। अगर मैं काम कर रही हूँ मैं बैठाऊँगी, बच्चा छेड़ दे तो फिर उससे क्या बिना मतलब का। और एक तरह से मतलब कर रहे हैं हम अच्छे को, रो जाए बुरे को, तो मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी, तो ऐसा तो मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ गैस का चूल्हा वगैरह जो है साफ़ करके बर्नल वगैरह बनाए हैं, प्लेट वगैरह बनाई हैं। और मैं रख रही हूँ दाल बनने के लिए। शाम के खाने में हम बना रहे हैं दाल। हर रोज़ एक नई रेसिपी शेयर करने का मेरा मेन कारण है कि कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती रहूँ, आप लोगों को भी पसंद आए और आप लोग देखें कि मैं कर बना सकती हूँ, चीज़ें कर सकती हूँ। बस थोड़ा सा ना टाइम के ऊपर हो जाता है, बच्चों के ऊपर। अभी पूरा टाइम अवनी को और कैरव को दे रही हूँ, घर का काम भी होता है। तो बस आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, बहुत बहुत आभारी हूँ। एक कमेंट्स मुझे आया था कि घड़ी घड़ी टाइटल बदलती है, इसके भैया बोलता होगा। तो आप लोग है ना हर बात के लिए मेरे भैया भाभी को ब्लेम क्यों करते हो? उनकी क्या गलती है? देखिए मतलब हर बात के लिए कि भाई भाभी ने ये कर दिया, भाभी जैसी हो गई है, भैया जैसी हो गई, उन लोगों का क्या दोष है? वो लोग कौन सा मेरे को बोलने के लिए आ रहे कि तू ये काम कर ये ना कर? सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती हूँ। और वही टाइटल चेंज करने की, तो मेरे टाइटल मेरी वीडियो से मिलते जुलते हैं या नहीं है तो आप मुझे बताइए। अगर आप लोगों को अलग लगते हैं तो आप बोलो, मैं ऐसा मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। पर आप है ना मतलब हर बात के लिए मेरे घर वालों को मत बीच में लपेटा करो, मेरे मम्मी पापा को तो छोड़िए, भैया भाभी को बोलते हो। वो लोग मुझसे अलग है, उनकी अपनी दुनिया है, मेरी अपनी दुनिया है। मेरी शादी हो गई है, घर है, ससुराल है, 2 बच्चे हैं। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देती हूँ, अपनी पर। बाकी आना जाना दुख सुख में ये सब तो सभी करते हैं, पर उनको हर बात के लिए ब्लेम करना ये अच्छी बात नहीं है। तो जिसने भी ये कमेंट्स किया है उसके लिए बस यही बोलूँ कि आप है ना हर बात के लिए ना मेरे फैमिली वालों को ना बोले। और यहाँ मेरे को लगाना है दाल में तड़का, दाल उबल गई। एक कमेंट मुझे कई दिन पहले आया था कि आप एक प्रेशर कुकर नहीं ले सकते हो? देखिए मैं एकदम सारी चीज़ें है ना रिकवर नहीं कर सकती, नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे अपना हर चीज़ का हिसाब देखना होता है। मैं 1 मिनट में चीज़ें लेना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट लगेगी मैं सारी चीज़ें खरीद लूँगी, ले लूँगी, कर लूँगी, पर नहीं, मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। मैं एक चीज़ के पीछे अपना सारा टाइम है ना वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल मेरे को है ना दाल में लगाना है शौक, तो मैंने है ना जीरे में सोच रही हूँ कि जीरे में तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि फिर गोपाल जी को भी भोग लगाना है। और एक कमेंट मुझे ये भी आया था, मैं ज़्यादातर कमेंटों पे बहुत नॉर्मली और नेगेटिव ही कुछ करंट कमेंट्स सॉरी ऐसे होते हैं जिन पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि आप दीदी गोपाल जी का रूटीन शेयर करो सुबह से शाम तक का। हाँ मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ है ना गोपाल जी वाला रूटीन शेयर करूँगी। कुछ लोगों का कमेंट्स ये भी था कि जैसे बच्चे उठते हैं सुबह उनको खाने पीने को देते हैं, ऐसे आप गोपाल जी को उठाया करो। सुबह उठ के पहले नहाना वहना ही करा करो, पूजा करा करो, उसके बाद आप बाकी काम किया करो।
तो मैं करती हूँ सुबह को, बाजी दिन लेट हो जाता है, वरना मैं जल्दी उठ के ना पहले नहाकर झाड़ू पोछा करके गोपाल जी को ही उठाती हूँ, चाय पानी बनाती हूँ, फिर बच्चों के लिए। कभी कभार हो जाती हूँ मैं लेट। तो यहाँ पर मेरा जीरा पक गया, मसाले पक चुके हैं, टमाटर मैंने डाल दिए, तो मैं आप लोगों के साथ जल्दी गोपाल जी का रूटीन भी शेयर करूँगी। और यहाँ अभी मैं जो है ना, तो अभी यहाँ पर मैं टमाटर को थोड़ा सा ना इसे चमचे से छेद रही थी, मतलब एक तरह के, मतलब थोड़ा सा बारीक करने की कोशिश कर रही थी, पर पीसे नहीं थे मिक्सी में, मन नहीं करता पता नहीं क्यों। और कभी कभार मन करता है पीस कर बनाने के लिए, कभी नहीं करता, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, सारी बात खाने के लिए, मतलब भूख लगती है पर सब्ज़ी देखकर मन नहीं करता खाने के लिए, अजीब सा रहता है। और किसी भी चीज़ को मतलब मन करता है ये बना लो, ये खा लो, वो खा लो, फिर पता नहीं क्या होता है, चीज़ से मन हट जाता है। भूख सी भी इतनी खास नहीं है, ऐसे ही बच्चे हो रहे हैं, खुला पुला भी रही हूँ फिर भी कमज़ोर से ही हो रहे हैं पता नहीं क्यों। और मैं भी बहुत कमज़ोर हो रही हूँ, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, काम ज़्यादा हो रहा है, आराम बहुत कम मिल पा रहा है। क्योंकि भले ही कुछ लोग बोल दे कि काम नहीं है, अरे बहुत काम है सच में, गंदा तो बिल्कुल भी अब जरा रखा नहीं जाता ना देखा जाता, और बहुत चीज़ें मुझे बहुत अटपटी लग रही है, पर मेरा अभी है ना हिसाब नहीं है वो चीज़ें करने का, बहुत गंदा लग रहा है कुछ सिस्टम मुझे। बस थोड़ा सा टाइम पे आकर मेरी बात रुक जाती है। मैं सोच रही हूँ कि रूम में है ना कुछ चीज़ें मुझे बहुत अजीब लग रही है जिसको मुझे सेट करना है, पर अभी कुछ टाइम बाद पहले मैं एक एक करके जो मेरे को काम निपटाने हैं वो ख़त्म करना स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है कौन सी बुरी लग रही है उसको सेट करती हूँ। तो मैं जैसे सोच रही हूँ कि बरामदे में जैसे मैं पर्दे लगाऊँगी, तो मैं संदूक जो है ना बाहर निकाल लूँ पर्दे लगा के, अच्छा रहेगा या नहीं आप मुझे कमेंट्स करके बताना। और ये नाच की टंकी है यहीं पर रहती है बरामदे में, इसको कहाँ रखूँ, कहीं रखने की जगह नहीं है, इधर कहाँ रखूँगी मैं इसको बरामदे में। तो संदूक बाहर सोच रही हूँ मैं, जब अब की बार बरामदे में पर्दे लगाऊँगी, जब भी लगाऊँगी एक दो महीने बाद, अभी तो नहीं लगा पा रही हूँ, पता नहीं कब लगेंगे सही तरीके से, तो कुछ पता नहीं है। पर अभी है ना मुझे सच में घर अजीब सा लग रहा है, चीज़ें बस फैली फैली सी लग रही है, और कुछ मन सा भी नहीं लग रहा है पता नहीं, मतलब ये लग रहा है कि बस घर, मतलब वो है क्या, कभी कभी होता है हम लोगों को लोहर से उठते हैं कि बस चले जाओ यहाँ मत रहो, ऐसा ना करो, मन में अजीब अजीब सी, मतलब जब मन परेशान होता है आदमी का अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, वैसे वही मेरे साथ हो रहा है, मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं तो सोचती हूँ, कुछ लोग बोलते भी हैं दीदी आप सोचा मत करो, देखिए सोचने के लिए लोग मजबूर करते हैं, सोचती हूँ टेंशन होती है। अपनी लाइफ सबकी जैसी नॉर्मल होती तो फिर कोई बात ही नहीं थी, पर चलिए छोड़िए। अभी मैं भर रही हूँ पानी, जी हाँ मैं बस सारे दिन अपना ज़्यादातर टाइम है ना काम में निकाल देती हूँ, वीडियो में, काम में, थोड़ा बहुत टाइम अपने बच्चों में। और पिछले 2-3 दिन से पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, नींद भी बहुत कम आ रही है, अच्छे से सो भी नहीं पा रही हूँ। दिमाग जब आदमी सोता है तो उसके साथ दिमाग भी सोता है, अच्छे से फ्रेश होता है, सुबह उठता है दिमाग फ्रेश फ्रेश दिमाग रहता है, अच्छी अच्छी चीज़ें माइंड में आती हैं, पर मेरे को नींद भी बहुत कम आ रही है, हो जाती है मेरे को ये दिक्कत, कई कई दिन नींद नहीं आती, वही सब हो रहा है, किसी भी चीज़ के लिए मन नहीं कर रहा, एक बंदिश सी लग रही है शरीर। कभी कभी है ना हम लोगों के साथ में ऐसा होता है जो हम लोग नहीं सोच पाते वो हमारी सोच से हट के हो जाता है, और मैं वैसे कुछ सोच भी नहीं रही हूँ एक तरह से आप लोगों को बताऊँ कि किसी बात की टेंशन ले रही हूँ, थोड़ी बहुत टेंशन तो देखिए सबकी लाइफ में लगी रहती है, होती है। मैं अभी नहा कर आई थी इस वजह से आप लोगों को मेरा फेस ऐसा लग रहा होगा। और कुछ बिंदी को लेकर कमेंट आया था, दीदी बिंदी अच्छी नहीं लग रही आपके, हाँ मैं पूछ रही थी, पता नहीं यार मैं इतना घर को सिंगवा रही हूँ, साफ सुथरा कर रही हूँ और चीज़ें भी नहीं, मतलब घर खाली खाली सा दिखाई दे रहा है रूम, पता नहीं क्यों, जब पर्दे लगाए थे तो एकदम से रौनक सी लगी थी, और अब है ना यही कमरा मुझे खाने को दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस कहीं चली जाऊँ, यहाँ ना रहूँ। लोगों के कुछ जिस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं ना उससे मेरा मन है ना उचट सी जाता है, और मैं अंदर से ना थोड़ा सा परेशान सी हो जाती हूँ, यार इस तरह से क्यों बोलते हैं, खुद ही मन ऐसा हो रहा है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और सब अजीब अजीब सा हो रहा, मन नहीं लगता, मैं मतलब किसी कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, वीडियो में क्या दिखाऊँ, खाना पीना ज़्यादातर दिखा रही हूँ, और घर का जो है मतलब एक तरह से हुलिया सा ख़राब हो रहा है रूम की, मतलब देख रोज़ साफ़ करती हूँ मैं, रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ, मैं ये नहीं कि साफ़ सफाई नहीं करती, डस्टिंग नहीं करती, सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछो सब करती हूँ, पता नहीं मैं तो बस कुछ कह शब्दों में, मतलब मैं शब्दों में मैं बातों को बयां नहीं कर सकती, इस तरह से मैं कुछ परेशान सी हूँ, कुछ समझ में नहीं आता मेरी, पता नहीं एक अजीब सी उलझन मन में, पता नहीं क्या चल रहा है क्या, कुछ भी वो बोलते हैं ना कि आदमी कह कुछ हो रहा है और चल कुछ हो रहा है,
कहना कुछ और चाहता है, निकल कुछ और रहा है, मुझसे वही हो रहा है, मन सा नहीं लगता। अभी मैं सोच रही हूँ कि कल देखते हैं, कल या परसों है ना, पूरा रूम है ना अच्छे से साफ़ करती हूँ, झाड़ती हूँ उसको, झाड़ा पोछी करती हूँ, गंदा हो रहा है। फिर ये एक दो दिन के बाद देखती हूँ, ये बेड वगैरह जो है सेट करूँगी, संदूक में सोच रही हूँ कि कुछ टाइम और रुक जाते हैं, फिर उसको बाहर निकाल लूँगी मैं, बाहर रखूँगी संदूक को, या फिर वापस वहीं लगाऊँगी जहाँ पहले लग रहा था। ये पर्दे हैं ना, यहीं जंगले के पर्दे संदूक के पीछे अगर रुक जाते हैं, छोड़िए थोड़ी बहुत उठ जाने तो मेरे साथ चलती रहती हैं। बस आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा। तो और मुझे कुछ कमेंट्स ये भी आए कि आपके मायके वाले अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए जितना उन पर बनता है वो लोग करते हैं, मतलब मायके वालों का साथ होना, पीछे होना, उनका साथ होना, सर पे उनका हाथ होना, ये काफ़ी होता है एक लड़की के लिए। और बाकी जो है लाइफ जैसी भी है, आप लोगों के सामने है मेरी लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बस थोड़ी सी कभी नर्वस हो जाती हूँ क्योंकि इनसिक्योर फील करती हूँ, इतनी अच्छी लाइफ नहीं है, थकावट, शरीर थकता है यार, इंसान हूँ, मशीनगिरी है, थकता तो सभी है, थकते हैं। आप भी अगर पूरे दिन काम करो तो आप भी थक जाओगे, जाहिर सी बात है, मैं भी थक जाती हूँ। पर जब मुझे नींद नहीं आती ना, जब मुझे अक्सर बहुत दिक्कत होती है, नींद नहीं आ रही है 2-3 दिन से, तो बहुत दिक्कत बन रही है। रात को मैं 2 बजे, मैं रात ना 1 बजे सोई थी और फिर मेरी आँख खुली 2 बजे, 1 घंटा सोई मैं, फिर 2 बजे आँख खुल गई, फिर 1 घंटा सोई मैं, 3 बजे आँख खुल गई, फिर 3 बजे से फिर मैं कम से कम 6 बजे तक जाग गई, ऐसे कई कई घंटे। और देखिए 8, ये तो दिन में तो जागते ही, नॉर्मल सी बात है, आदमी हम लोग 10-11 बजे से पहले सोते नहीं, नींद ही नहीं आई, बस परेशान ऐसे ही कर पड़ पतल गई। 2 बार बेटी भी उठी, उसको पानी वगैरह भी दिया, और रिंग को लेकर कमेंट करते, गुंटी बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू थैंक यू, और आधी इंग्लिश आधी हिंदी। और मैंने ना यहीं से ख़रीदी थी, मुझे भी सच में बहुत प्यार लगी। मैं तो रिंग पहनती नहीं हूँ, पर अब मेरा मन कर रहा था कि मैं पहनूँ, ज़्यादा सिंपल भी क्यों रहूँ। और चलिए बस मेरी बातें नहीं ख़त्म होंगी कभी भी आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरा करने को मन करता, मन ही नहीं करता कि मैं आप लोगों से मतलब फ़ोन रख दूँ, कैमरा ऑफ कर दूँ, नहीं बस बात करती रहूँ, फिर कभी करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।